स्वागत है जी आप सबका चढ़ोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में। भाई आज हम करने वाले पनीर खुरचन सब्जी का कंपैरिजन। लास्ट हमने वीडियो बनाई थी जो विराट कोहली के ऊपर बनाई थी और उसमें हमने ट्राई किया था कि पनीर खुरचन और स्वाद इतना ज्यादा अच्छा लगा था ना, हमने कहा भाई इसकी जो है ना एक कंपैरिजन वीडियो बनाना बनता है भाई। और भाई आज हमने तीन जगह से मंगवाई, अब देखेंगे सबसे स्वाद पनीर खुरचन किसकी निकलती है। बाकी वीडियो अच्छी लगे भाई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। सबसे पहले ये आपको जो दिखा रहे हैं कि हमने मंगवाई है मसाला मंत्रा से, और ऊपर ब्रांडिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी तो इसलिए जो है ना खुद ही लिख दिया भाई ना, ताकि पता चल सके कि कौन सा है। बिल्कुल, अब आपको दिखाते हैं जी सबसे पहले, और यहाँ से हमने मंगवाई है हाफ क्वांटिटी। ओ भाई पंकज, ओ भाई ये हाफ है, सही है ये तो बड़ी तगड़े लेवल में आई है भाई। ये अगर हाफ है तो फुल क्या होगी वाक्य में भाई। ये साथ में हरी चटनी है जी, प्याज है, टिश्यू पेपर है, मसाला मंत्रा, अंदर ब्रांडिंग करी हुई है। और प्राइस है ये 275 रुपये की हाफ प्लेट, डिस्काउंट में मिली है 190 रुपये की। चलो जी, क्वांटिटी देखने में तो भाई ऐसे डब्बा तो अच्छा लग रहा है। आपको जरा फटाफट सब्जी की रंगत दिखाते हैं, खोलते हैं भाई इसको। पंकज भाई मजा ही आ गया यार देख के, क्या ही रंगत लग रही है ना। और हाफ प्लेट में इतनी क्वांटिटी तो भाई पहली बार दिख रही है, मजा ही आ गया देख। देखो जी उस दिन हमने ट्राई करी थी मोती महल डीलक्स से, और मैं सही बताऊं अगर रंगत मैच करने की बात करो तो ऑलमोस्ट जो है ना एग्जैक्ट वैसी लग रही है। हाँ, उसमें जरा कैप्सिकम नहीं थी। हाँ नहीं कैप्सिकम थी पंकज, बहुत कम थी। हाँ, प्याज ज्यादा थे, लेकिन उसमें पनीर के पीसेस भी जो है ना इससे ज्यादा थे, थोड़ी वो महंगी भी तो थी है ना, इसमें काफी अच्छा हमें डिस्काउंट भी मिल गया। नेक्स्ट ये हमने मंगवाई है यू किचन एक्सप्रेस, नाम मतलब अच्छा ही है, यू किचन मतलब योर किचन, या तो योर किचन होना चाहिए था कि भाई आपका किचन है ना। सही बात, चलो ठीक है जी। ये सब चीजें इसमें निकली है, चटनी है, अचार भी है भाई। अचार किस चीज का भेजा है, ओ मिर्च का अचार है, सही है। चलो ये भी अच्छा है, ये भी सही है। प्याज काफी अच्छे लेवल में भेज दिए हैं, प्याज, हरी मिर्च, नींबू, ये भी सही है। अब आपको दिखाते हैं जी इसकी रंगत दिखाते हैं भाई पंकज, लोग तो अच्छे लग रहे हैं भाई, तगड़े लेवल का कंपटीशन होने वाला है भाई, जबरदस्त यार। और ये भी 500 ml तो 500 ml बड़े आराम से है जी। सबसे पहले इसका प्राइस बता दे जरा। इसका लिस्टेड प्राइस है 349, डिस्काउंट में आई 198 रुपीज। ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट दोनों का प्राइस हमें सेम ही पड़ा है जी, वो भी 90 कुछ की थी, 190 पनीर ज्यादा है। ये है भाई जबरदस्त, प्याज के लच्छे देखो, पनीर के पीस देखो भाई साहब, ये ऑलमोस्ट ना बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है, बिल्कुल वैसे बनी हुई है भाई। और दूसरा प्याज भी देख, प्याज, शिमला मिर्च, इसमें लंबा लच्छे वाला भी डाला हुआ है, मसाले वाला भी डालो जो छोटा बारीक भून कर होता है ना। हाँ, वो वाला भी है भाई। मजा आ गया यार, दो सब्जियां दोनों ही कमाल की क्वांटिटी भेजी है इसमें, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इसके इक्वल तो होगी पंकज, आराम से होगी है ना। 500 ml 500 ml दोनों के तकरीबन हमने 200 रुपए पे किए जी। थर्ड दिखाते हैं हमने जहाँ से मंगवाई है। लास्ट जी हमने मंगवाया है ये नमक शमक से जी, और ये है कहीं सफदरजंग के पास में, और आइए जी फुल क्वांटिटी। ठीक है, इसमें ना एक रोटी का ऑप्शन दे रहा था, इसके प्राइस नहीं लगे हैं। अच्छा, बस वैसे कहा कॉम्प्लीमेंट्री है भाई, सही है। और भाई साहब जरा क्वांटिटी देखो यार, और आपको प्राइस बताऊंगा ना, मैं कह रहा हूँ भाई सब्जी की रंगत देख के और क्वांटिटी देख के ना मेरी फेवरेट सब्जी बनती चली जा रही है भाई। कंपटीशन होने वाला है बड़ा ही तगड़े लेवल का जी। प्राइस सुन लो पहले आप इसका जरा, प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट 190 रुपए, वैसे लिस्टेड प्राइस था 300 रुपए। ठीक है जी, तो 300 ग्रेवी अलग लग रही है, ये थोड़ी सी और ज्यादा जो है ना कुछ अलग टाइप की व्हाइट व्हाइट ग्रेवी लग रही है, लेकिन आप जरा पनीर अच्छा, के ऊपर क्रीम वगैरह डाल रखे हैं, बाकी नीचे तो वही मसाले भाई। पनीर के पीस देख लो, छोटे छोटे से पीसेस हैं, लेकिन पंकज काफी सारे भरे हुए हैं। इन्होंने प्याज मसाले वगैरह को तो जगह ही नहीं छोड़ी हुई, इतना ज्यादा पनीर दिया है भाई इन्होंने, ये देख रहा है जहां से मर्जी नीचे से। मैं यार पनीर के मामले में पंकज ये सब्जी विनर है भाई, बिल्कुल विनर। जो इन्होंने क्वांटिटी पनीर की दे दी है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल है यार, मजा आ गया भाई देख के। गिनते गिनते थक जाऊंगे, इतने पीस है। बहुत पीस है भाई, मतलब कहीं से भी यार ये देख, सही भाई, कहीं नीचे से भाई वो चम्मच से निकाल ले, इतना पनीर इन्होंने दिया है, और मजा आ गया जी। 190 रुपीज की ये इतनी क्वांटिटी हमें पड़ी है, 190 रुपीज, यहाँ 198 रुपीज, और यहाँ है जी हमारे पास 190 रुपीज। आपको तीनों में से किसकी रंगत कमाल की लग रही है पहले तो ये कमेंट करना,
बाकी भाई अपने तो बल्ले बल्ले हो गई है, सब्जियों की रंगत अच्छी है, बस अब टेस्ट बढ़िया होना चाहिए। सही बात है। बारी है जी इन सब्जियों को टेस्ट करने की, और आपने ये सब्जी पहले ट्राई कर रखी है कि नहीं कर रखी है भाई, तो ये कमेंट करके आपने हमें जरूर बताना है। और भाई काफी सारी ना पनीर कंपैरिजन की सब्जियों की अलग अलग वैरायटी की वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मसाला मंत्रा मंत्रा से जी यहाँ से ट्राई करते हैं, और घर की बनी हुई रोटी है हमारे पास उससे ट्राई कर। तो जी पनीर को ना थोड़ा सा जरा ब्रेक करते हैं, ये लगाया पनीर, थोड़े से जरा मसाले मसूले लगा के जी आ जाओ टेस्ट करते हैं। भाई जो ग्रेवी बनी हुई ना वो तो काफी एकदम क्रीमी टाइप की है, बाकी मसाले वगैरह भी तीखे चटपटे हैं, बाकी कैप्सिकम वगैरह चीजें डली हुई, सही है सब्जी, इतनी बुरी नहीं लगी। उन्होंने ना कमी कोई नहीं छोड़ी हुई है, फ्लेवर अच्छे आ रहे हैं, प्याज टमाटर मसाले शिमला मिर्च सब कुछ डाल रखा है, लेकिन ना भाई जो मोती महल डीलक्स से आई थी ना उसमें जो भाई मसाला भुने का जो टेस्ट था, जो खुरचन टाइप का जो नाम यूज कर रखा था उसमें हल्का हल्का तड़के में मसाले में अच्छा खासा फ्लेवर आ रहा है, पता चल रहा था। इसके अंदर ना वो थोड़ा सा लाइटर फ्लेवर है, तो उतना ज्यादा मजा तो नहीं आया, लेकिन हाँ अगर मैं इंडिविजुअल इस सब्जी की बात करूँ तो भाई फिर तो स्वाद है, फिर स्वाद है। बाकी भाई अभी सारी ट्राई करेंगे फिर बताएंगे बेस्ट कौन सा। लो जी यहाँ से बाइट जो है ना जी बढ़िया वाली ट्राई करते हैं, अच्छा खासा प्याज टमाटर, और ये देख रहे हैं ओए होए चम्मच गिर गया, चलो इसको यहाँ करते हैं, बाकी लच्छेदार है भाई सब कुछ है ना। हाँ टेस्ट करते हैं, आ जाओ। कैसा लगा भाई इसका फ्लेवर ये बता। बहुत बढ़िया, और ऑलमोस्ट ना जो मोती महल डीलक्स की खाई थी ना उससे मैच कर रही है, काफी हद तक मैच कर रही है। इसमें जो प्याज टमाटर के जो और जो कैप्सिकम के जो लच्छे महसूस हो रहे हैं ना बाइट लेते, यहाँ वो चीज ना थोड़ी सी कम थी, है ये भी बहुत अच्छा स्वाद, ये भी है। इनका फ्लेवर जो है ना इनके इंग्रेडिएंट अलग तरीके के, बनाने के तरीका अलग है, ये वाला जो इंग्रेडिएंट यूज कर रखे ना इसको ऑलमोस्ट मोती महल से मैच किया गया। मजा आ गया भाई ये वाली सब्जी खा के ना, अगर यहाँ से यहाँ पे हम दोनों अलग अलग टेस्ट कर रहे हैं तो हमें टेस्ट का फर्क पता चल रहा है। अगर इंडिविजुअल बनाई होती ना, अगर इंडिविजुअल मंगवाई हुई होती तो चाहे ये खाते चाहे ये खाते दोनों ही बेस्ट लगते हमें, है ना। और प्राइस बिल्कुल सेम है, 190-198 रुपए, 8 रुपए का फर्क है आफ्टर डिस्काउंट, बहुत सही प्राइस में और क्वांटिटी बहुत अच्छी मिली है। लास्ट है जी हमारे पास नमक शमक से, तो इसकी बाइट तैयार करते आ जाओ। लो जी यहाँ तो निरा पनीर ही पनीर है, क्या ही बंदा कहीं पर भी हाथ मार ले पनीर कि मेरे को थोड़े मसाले मिल जाए, लेकिन पनीर ही आएगा जी। लो जी बाइट तैयार हो गई, टेस्ट करते हैं। वो जो पनीर खुरचन वाला टेस्ट जो हमारे माइंड में मोती महल डीलक्स की सब्जी खाकर बैठ गया ना वो तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन भाई साहब ये सब्जी स्वाद बहुत है, स्वाद है। दूसरा एक चीज है कि पनीर इतना ज्यादा डर रखा है कि ग्रेवी कम पता चल रही है, और पनीर का ही फ्लेवर वो जो है ना, पनीर की मिठास और हल्के फुल्के जो साथ में मसाले हैं, और हल्के फुल्के नहीं है वो पता चल रहे हैं मसाले, मतलब जैसे अभी खाई है ना मैंने बाइट, जुबान में पता चलता है, मतलब बाइट खत्म होने के बाद में वो मसाले महसूस होते हैं भाई, मजा आ गया। और इतनी क्वांटिटी पनीर की मैं हैरान हूँ भाई, ऑनलाइन में ना कई बार चीजें खा रखी है मगर ये फर्स्ट टाइम ही इस तरीके से। अब ये बंदा ऐसे ही देता रहे तो बढ़िया है, मतलब आप लोग भी मंगवाओ तो ऐसे ही पहुंचे तभी मजा है, ये ना हो कि फिर लोग कहेंगे आपकी वीडियो के लिए आता है। भाई ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, पैसे खर्च के ये चीजें हमने मंगवाई हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सी लगी ये बता। भाई तीनों में से सबसे बेस्ट बताऊंगा तो मेरे को यू किचन लगी नंबर वन, सेकंड में लगी मेरे को ये मसाला मंत्रा, और थर्ड में मेरे पास आएगी ये वाली। मेरे को भी भाई एग्जैक्ट यही, क्योंकि ना यहाँ कहीं ना चाहे स्वाद बहुत ज्यादा है लेकिन ना वो जैसे पनीर भुर्जी होती है ना इसका टेस्ट उससे मिलता जुलता है। बाकी ये दोनों में इंडिविजुअल कोई सी भी मंगवा लूं ना मैं दोनों खा लूंगा, लेकिन अगर चारों में से कहो अगर इन मोती महल डीलक्स को भी, और ना हमसे एक गलती हुई है, मोती महल डीलक्स भी मंगवानी चाहिए थी,
है ना, तब और अच्छा कंपटीशन। मगर अगर उसको भी कंपेयर करें तो भाई नंबर वन पे मोती महल जाती है, फिर मसाला मंत्रा आती है, थर्ड में ये है और फोर्थ में ये यू किचन। हाँ यू किचन, और उसमें से आपको जो है प्राइस का बहुत फर्क पड़ता है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा यू किचन मंगवा लेना। वो मोती महल डीलक्स की काफी महंगी थी, महंगी है और टेस्ट ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। ठीक है जी, आपको हमारी ये आज की वीडियो कैसी लगी है भाई प्लीज कमेंट करके बताना, और कौन सी सब्जी का कंपैरिजन देखना चाहते हो वो भी आप हमें और बहुत सारे कमेंट करके बता सकते हो। हाँ, और ऑलरेडी बहुत सारे कंपैरिजन कर रखे हैं, वो भी वीडियो देखना फिर बताना कौन सी देखना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।